माँ जी आपको कहाँ जाना है? माँ जी अंबिका अब्राहम। अच्छा ठीक है, मैं ले चलता हूँ, आइए। सावधानी से आइए, आइए वहाँ बीच में बैठ जाइए। अग्रहारम में किसके घर जाना है? चिंता दीक्षित जी के अनाथ आश्रम में। ओ, तो आप भी मेरी तरह अनाथ हो? सबके रहते हुए भी अनाथ हूँ। प्रेमी के प्राण को भी मैं नहीं बचा पाई, जिनका स्नेह मिला उनके विश्वास को तोड़ने वाली अनाथ, बिना किसी के सहारे अकेली औरत हूँ। लग रहा है कि आप दुखी हो। जी हाँ, क्या बताऊँ मेरे सलीम समीर के बारे में। कौन है ये सलीम समीर? मेरे जीवन के दो ऐसे हमदर्द जिन्होंने सबसे ज़्यादा दुख दिया है। जीवन में जितने पुरुष आए सभी ने रुलाया है। सलीम मुझे एक बार भी छूना चाहता तो मैं वहाँ से चली जाती। पुरुष के लिए औरत का शरीर ही सब कुछ है, मन कुछ नहीं। मेरे पति का नाम है श्रीधर राव। शादी से पहले ही मैंने अपनी पसंद नापसंद और अपने विचार उन्हें बता दिए थे। मेरे ऊपर रही आसक्ति के कारण उन्होंने बड़ों के सामने हाँ कर दिया, पर कुछ दिन बाद ही उनमें अनायास ही बदलाव आने लगे। पता नहीं क्यों पर वे मेरे किसी भी काम से चिढ़ जाते थे, गुस्सा करते थे। न जाने क्यों वे मुझे नापसंद करने लगे, पर मैंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। एक दिन मैंने अपनी एक छोटी सी इच्छा उनके सामने रखी। अब इस उम्र में डांस सीखकर कौन सा तीर मार लोगी, उससे अच्छा तो खाना बनाना सीख लो, समझी? मेरी माँ चाहते थे कि मैं नृत्य सीखूं। तुम्हारे साथ इसलिए शादी किया था कि तुम मुझे तीनों टाइम खाना बनाकर खिला सको, इसलिए नहीं कि तुम गली गली नाचती फिरो। लाओ इधर। उनकी बातों से मुझे कोई ठेस नहीं पहुंची। नृत्य किसी भी तरह सीखने की मेरी जिद और बढ़ गई। एक दिन अपनी सहेली को फोन करके मैंने दीक्षित जी का नंबर लिया। गुरुजी से मिलने के लिए मैं बस का इंतजार कर रही थी। बारह बज गए, ग्यारह के अंदर आने को कहा था। ऑटो अग्रहार चलोगे? मैं तो तिमरापुर जाऊंगा। देर हो गई, टाइम निकलता जा रहा है। सुनिए बदमाश कहीं का हराम को बाजी निकम्मा। अरे हाँ सुन लिया क्या? आप जो सोच रही हैं मैं समझ गया, आइए बैठिए। क्या सोचने लगी? थैंक्स जी, मुझे देर हो रही है, थोड़ा जल्दी चलिए। वैसे कहाँ जाना है आपको? पास वाले शहर चिंता दीक्षित जी के घर। हाँ मुझे पता है, वो नृत्य का स्कूल। अच्छा तो अभी आप नृत्य सिखाने जा रही हैं? नहीं नहीं, मैं सीखने जा रही हूँ। आप गुरुजी को जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ उन्हें, उन्हें कौन नहीं पहचानता, आजू बाजू में बहुत नाम है उनका। वैसे आप क्या करते हैं? मैं इन चमड़ों को देख रही हैं, मैं इन्हें इकट्ठा करता हूँ और टाउन में ले जाकर बेचता हूँ, यही धंधा है मेरा, रोज का काम। वैसे आपके पति? थोड़ा जल्दी चलिए ना, उन्होंने 11 बजे बुलाया था, बहुत देर हो गई है। हे भगवान पता नहीं क्या सोचेंगे। आप अपने पति के साथ आ सकती थी ना? उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अच्छा आपसे एक बात बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? जी बोलिए। उनसे मैं 10 मिनट बात करके आती हूँ, तब तक आप रुकेंगे? एक्चुअली वापस जाने वाली बस शाम को है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप जाके आइए, तब तक मैं यहीं आपका इंतजार करता हूँ। ता 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 धन ता धन ता 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 धन ता धन ता 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 ता
प्रणाम गुरुजी। नमस्कार बेटी। गुरुजी, मैं डांस सीखने आई हूँ। समझा, तुम अपने पति को यहाँ लेकर आओ, मैं उससे बात करके देखता हूँ। उनका यहाँ तक आना मुश्किल है गुरुजी। देखो बेटी, तुमको बहुत दूर से आना है, अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब दूंगा, इसलिए तुम अपने पति को साथ लेकर आओ। इनके पति अगर इतने समझदार होते तो कोई समस्या ही नहीं होती। तुम कौन हो? माफ करें गुरुजी, मेरा नाम सलीम है, मैं यहाँ शहर में व्यवसाय करने के लिए आता हूँ। तुम इसके रिश्तेदार हो क्या? नहीं, इनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, आज पहली बार इनसे मिल रहा हूँ मैं। ठीक है बेटी, कल से तुम आ जाओ। अच्छा, आपके शहर से सुबह 8 बजे की बस है ना? जी हाँ, इतनी सुबह सुबह कैसे आऊंगी वही सोच रही हूँ। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? आप आओगे क्या? हाँ हाँ जी। फिर आपका काम? अरे वो तो रोज का काम है मेरा, आपको शहर छोड़ने के बाद फिर शुरू करेंगे अपना काम। क्या बात है, आज बड़ी खुश हो, चेहरा खिल उठा है। इतने दिन लगता था कि भाग फूटे हैं मेरे, पर अब लगता है कि दिन फिर रहे हैं। इतना तो तय है कि अगर तुम मेरी बात को ना मानकर गलत रास्ते पर जाओगी तो इसका नतीजा भी तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। रोगी को इंजेक्शन देना, रोगी को सही दवाई देकर ठीक करना, बस यही एक काम है जो मुझे आता है, ना कि घर बसाना। ये काम मुझे किसी ने नहीं सिखाया और मैं सीखना भी नहीं चाहता। आते वक्त आप कुछ पूछ रहे थे ना कि मेरे पति क्या करते हैं? हाँ, ऐसी पूछने का मन किया, छोड़ो वो बात। मेरे पति एक डॉक्टर हैं, वे इलाज करते हैं, नाम है श्रीधर राव। अच्छा, आपके पति तो बहुत खुशनसीब हैं फिर। ऐसा क्यों? उन्हें आप जो मिली। सब है यही आदत मेरी, तो गुजरी बातें याद करनी। आओ चलो पंछी जैसे पंख फैलाए उड़ती चले, उजाला मन में और ज्वाला है तन में। हाँ, ऐसी तेरी मेरी प्रेम कहानी। Thank you.
सोचूं क्या, ये जो तेरा जादू सर पे चढ़ा, ये जिंदगी एक कहानी, जी भर के मैं तेरी बनी। किया है तुझसे प्यार, बन जा मेरी यार, आज नाचूं मैं जैसे मुरनी। आपने शादी की है? हाँ, कितना गलत शब्द बोली। मैंने क्या गलत बोला? शादी मतलब समाज की वो दादागिरी जो कोर्ट बैठाकर पतियों को सजा देती है। दुनिया में ये दोनों एक हो रहे हैं कह के जहाँ पति मंगलसूत्र पहनाकर पत्नी को घर ले आता है और उसका गुलाम बन जाता है, और क्या। तेरे लिए यारों से, दुर्भाग्य संसारों से, बागों से बहारों से, दोस्ती का हाथ तेरे लिए। सारी रात मैं देखो सपने, चली आई मैं बनके अपने, यादों में आते हो मुझे तड़पाते हो, जिएंगे तो हम कहो कैसे जिए। कौन था वो आदमी? मुझे भी ना बताए कितने दिन से चल रहा है ये सब। डांस के नाम पर कितने दिन से गुलछर्रे उड़ा रही हो। ये सवाल तुमको पूछना शोभा नहीं देता। क्या बोली? यही कि ये सवाल तुमको पूछना। बेशरम हो के बाजारों औरतों की तरह घूम रही हो और जबान लड़ाती हो। ये लाओ इधर। ये इसी के ऊपर इतना घमंड है तुमको? हाँ? मुझे एक पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक गुलाम की तरह देखता था। नामर्द के साथ घर बसा लेती, मगर एक शक करने वाले पति के साथ घर बसाना मुश्किल हो गया। मुझ पर शक करके मेरे आत्मसम्मान को मार डाला। और फिर उस दिन से उस आदमी के साथ एक ही छत के नीचे रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। मेरे साथ आओगी? कहाँ ले जाओगे तुम? कहीं भी, जहाँ जी चाहे। तुम बहुत मीठी बातें करते हो। ऐसा क्या? शुक्रिया। पहले बहुत अटपटा लगता था। और अब? मन में अगर प्रेम हो तो सब अच्छा लगता है। तो अब आओगी ना? कब? थोड़ा समय चाहिए। अब मुझसे इंतजार नहीं होता। सलीम,
यही अच्छा है, हम ऐसे मिल सकते हैं ना? तुम्हें अच्छा लगता होगा पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मुझसे इंतजार नहीं होता और सुन लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सलीम जब पूछा तभी उसके साथ जाने का मन किया, पर मैं जिस स्थिति में थी उस स्थिति ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे इस निर्णय के परिणाम के बारे में, घर की परिस्थिति के बारे में, मेरे घर के दूसरे सदस्यों के बारे में मैंने बहुत सोचा। सलीम मुझे एक अच्छा जीवन देगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं था। तुम्हारे पति, तुम्हारे मामा, गांव के लोग हमसे अनजान है क्या? ये क्यों पूछ रहे हो? उन्हें पता चला तो? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक हम बहुत दूर निकल गए होंगे। कुछ दिनों तक हमारी तलाश करेंगे, फिर थक कर बैठ जाएंगे। अब ये रहा हमारा आशियाना। आओ। और ये रहा हमारा छोटा सा चूल्हा। लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाओगी तो बहुत मजा आएगा मालूम। और हाँ, मैं मछली बहुत अच्छी बनाता हूँ, कभी बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें। ठीक है, आओ। वहां उस तरफ नहाने का जगह है, अब तक मैं अकेला ही रहता था तो। समझ गई मैं, बिस्तर वहां रख के बीच में एक साड़ी बांधना है। हाँ। यही ना? आओ। पर तुम्हारे माँ बाप? नहीं है, जब मैं 10 साल का था उस वक्त अब्बा और अम्मी चल बसे, तब से मैं अकेला ही हूं। एक दिन अब्बा और अम्मी शहर से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया, दोनों चल बसे। मेरे मामा ने मेरी देखभाल की, ये चमड़ा का व्यवसाय उन्हीं ने मुझे सिखलाया, बहुत मेहनत की मैंने। मैं ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने अपने मन को मार कर ये काम सीखा, जबकि मुझे ये पसंद नहीं था। मुझे ये काम अच्छा तो नहीं लगता और इसीलिए कभी कभी भाग जाया करता था, सोचता था कि मैं गलत कर रहा हूं। तब पता नहीं था क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन कोई समझाने वाला भी तो नहीं था ना। अच्छा, तुम मछली लाओगे ना? हाँ, तुम नहीं खाती ना? तुमको तो पसंद है ना, तुम खाना, मैं देखती रहूंगी। अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। तुम नहा के, अम्मी की साड़ी अलमीरा में है, तुम पहन लेना। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, छोटा चूल्हा, छोटा बिस्तर, एक कोने में नहाने की जगह, ये सब देख के मुझे मेरा घर याद आने लगा। मुसलमान का घर है, फिर भी ब्राह्मण के घर जैसा सुंदर है। यहाँ सब कुछ है, एक तुलसी के पौधे को छोड़कर जो मैं लेकर आई। ये क्या? ये पेड़ कहाँ से लाई? ठीक है, ठीक है। की साड़ी में बहुत जच रही हो सुशीला। मछली लाए? हाँ, ये देखो।
लाओ साफ कर दूं। नहीं मैं करूंगा, तुम पानी लेकर आओ। साड़ी के बारे में जानना चाहोगी? हाँ बोलो। मेरी नानी ने मेरी अम्मी को दिया और मेरी अम्मी ने तुमको दिया। हाँ, और हम हमारी बेटी को देंगे? नहीं, इसे तुम ही रखो। और तुम्हारे जैसा नटखट लड़का हुआ तो हटो भी। मामा जी, कब आए? अभी आया। सब ठीक है ना मामा जी? हाँ हाँ, यहाँ बैठिए। तुम भी बैठो। मामा जी, कैसे आना हुआ? देखो खुद को, कितनी बदल गई हो तुम। मरते मरते बच गई, ये क्यों नहीं कहते?
एक मुसलमान के साथ? क्या इज्जत घर छोड़कर आई क्या? सुबह सवेरे क्या लगा के रखा है ये? बैग उठाइए और निकलिए यहाँ से। सलीम ऐसे मत बोलो, मामा जी से मैं बात करती हूँ। तुम थोड़ा जल्दी करो, भूख लगी है मुझे। मैं यहाँ हूँ ये आपको कैसे पता चला? मैं यहाँ लेके आया जी। हाँ यही लड़का लाया मुझे। अच्छा ये बताओ सुशीला, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, महारानी जैसी हूँ। अपना सुख देख लिया, लेकिन तुम्हारी सुख के लिए हमारे पूरे समाज में हमारी कितनी बदनामी हुई इसका अंदाजा है? मामा जी आपने तो अपना फर्ज निभा लिया, कभी मेरे बारे में सोचा आपने? आखिर मैं ही ये सब क्यों भुगतूं? क्या भुगता तुमने? एक बार ना समझदारी वाला काम किया तो बड़ों की बात सुन के संभलना चाहिए। ऐसी गलती जाने अनजाने हो जाया करती है। बेटी श्रीधर बाबू को छोड़ने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, लौट आओ। मैं नहीं आऊंगी मामा जी। हाँ हाँ तेरे नखरे नहीं सहेंगे हम। और वहाँ श्रीधर जब से तुम गई हो दारू का गुलाम बन गया है, तुम उसकी शादीशुदा स्त्री हो। उसको पत्नी नहीं गुलाम चाहिए, मेरे निर्णय और सोच पर उसको हुक्म चलाने दूं? मेरा जीना उसने मुहाल कर रखा था तो मैं और क्या करती मामा जी। हाँ ठीक है मैं चलता हूँ। अरे समीर। हाँ भाई आओ। आता हूँ ठहरो। अरे जल्दी आ रे। हाँ भाई जल्दी आ। भाई तूने मेरी बड़ी मदद की, अब समीर भाई एक मदद और कर दे। भैया मुमताज का मामा बहुत गुस्से में है भैया। क्यों रे? अरे उसके पीछे जाने को मना कर रहा है भैया। तो इसमें नई बात क्या हो गई साला? दुबई जाने के लिए 50,000 रुपया लगेगा बोल रहा है भैया। पैसे का इंतजाम कुछ भी करके करो, उसके बाद जो जी में आए करो। साला आज तक ऐसा कमीना आदमी नहीं देखा, औरत को सामने रख के पैसा कमाता है। ठीक समीर बात कर। सलीम आया है बाहर है। चार मीनार से तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया है, हैदराबादी समझी? पहले बता वो शादी करेगा या नहीं? शादी वादी करने का नहीं ऐसा बोल रहा है। इसके साथ भिखारी की तरह इधर उधर घूमती रहूं? आज रात मस्जिद के पीछे जो बड़ा पेड़ है उसके पास आने को बोला। शादी नहीं करना चाहता तो मैं उससे क्यों मिलूं? नहीं तो बाल पकड़कर खींच के ले जाएगा बोला है। अरे ओ समीर ये दलाली का धंधा बंद कर, ये मटन की दुकान में बैठ और कुछ काम का काम कर समझा? दलाली कर यार, निकल साले यहाँ से। तुम भी तो वही करते हो, पहले खुद इज्जत से जियो उसके बाद मुझे आके बोलना। ए तू आ रे? ए चल जा यहाँ से जा। ए मुमताज आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये सलीम को छोड़ नहीं तो हम लोग यहाँ भूखा मरेंगे भूखा। चार पैसे कमाने हैं। देखा ग्राहक आया है, जाओ रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ माँ, जाओ जाओ माँ। वाह छोड़ डल भैया, वो मान सकती है पर उसका मामा कभी नहीं मानेगा। तब भी बोला था शादी कर लेगी तो काम वासना से मन हट जाएगा, फिर मुंह देखने का भी मन नहीं करेगा, लेकिन सुनती नहीं। चोरी छुप के मिलने के लिए बुलाया तो आती ही नहीं। जब तक तुम्हारी बात वो नहीं समझती उसका मामा उसकी जिंदगी के साथ खेलता रहेगा। साला दिमाग खराब करके रख दिया। चलो सलीम भाई ठहरो ठहरो। सलीम भाई ए समीर। हाँ इधर आओ। इसको मिला के पूरे 20,000 हुए याद रखना। हाँ। और कल मुमताज से बात कर लेना समझे। हाँ, हाँ, और एक बात, कल मैं टाउन जा रहा हूँ चमड़ा बेचने, इधर संभाल लेना। हाँ ठीक है चलो चलता हूँ।
तेरे पति ने कंप्लेंट किया, साला तुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगा। पहली बार ऐसा पति देखा, पत्नी भाग गई तो साला पागल हो गया। आप उसे जितना सीधा साधा समझ रहे हैं वो उतना मासूम और भोला भाला नहीं है। तुम औरतें ऐसा काम करती क्यों हो? पति को छोड़ दिया साला, क्यों? पैसे के लिए? शरीर के सुख के लिए? नहीं, एक औरत के लिए प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम के लिए? पति प्रेम नहीं करता था? यदि पति के पास प्रेम मिले तो दुनिया के सभी दुख सह लूंगी, अगर ना मिले तभी घर से कदम निकालती है एक औरत। ओके, सलीम आए तो कहना थाने में आके मिल ले। जो कर रही हो वो एकदम गलत काम, इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी तुम्हें। जो इसके लिए जिम्मेदार है पहले उसे जाके बोलिए। सलीम भाई उठो, सलीम भाई उठो। सलीम भाई क्या रहा? तुमसे बात करनी है। ठीक है चल। ये कौन है? दोस्त है मेरा। सुशीला, मैं थोड़ा काम से निकल रहा हूं, तुम सावधान रहना। कौन है भैया वो लड़की? वो लड़की नाम सुशीला है, बेचारी बहुत भोली है, अपने पति को छोड़ के मेरे साथ आ गई, अच्छे दिल की लड़की है। तुम्हारे बारे में पता है भैया? वो भी मेरे ही जैसी है, मेरे जैसे ही सोचती है, मेरे को पूरा समझ लिया उसने। शादीशुदा औरत है ना भैया, मन बदल गया तो? अरे नहीं रे, प्रेमी के लिए प्राण त्याग कर दे ऐसी लड़की है वो। उसकी बातों में अपनापन झलकता है, उसके चाल चलन में सच्चाई है, उसकी आंखों में नटखटपन है और उस नटखटपन में प्यार भरा दिल है। ऐसे लोग इतनी जल्दी नहीं बदलेंगे। अच्छा, मस्तान घर में है क्या? पूछ लिया। हाँ नहीं है, फोन को ठीक कराने के लिए टाउन गया हुआ है। हाँ, शाम तक आएगा शायद। भैया सुशीला आई है, मुमताज को भूल पाओगे? अरे हम लोग मर्द हैं, दिल की जवान ख्वाहिशों को ऐसे कैसे छोड़ दें? चल चलो। जल्दी बोलो, मामा आ जाएंगे। आने दे साले को, यहीं पे दफन करूंगा। भैया तुम दोनों बात करो, मैं बाहर हूं। ठीक है, काम क्रिया के लिए ही आए हो ना, प्रेम करने तो नहीं आए? अगर प्यार करने के लिए आया होता तो चुम्मा देने के अगले ही पल तुमसे शादी कर लेता। वही क्यों नहीं किया बताओ?
तुमने एक ग्राहक की तरह मुझे आज तक क्यों नहीं देखा? तुम मुझे अलग नजरों से क्यों देखती हो? तुमको मैं ग्राहक की नजरों से नहीं देखती, वरना पहली बार चुम्मा देने के बाद ही मैं तुम्हें वो सुख दे सकती थी। देखो कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं, हैदराबाद से लाया हूँ। जब तुम शादी ही नहीं करोगे तो ये सब क्यों? अगर तुमसे शादी कर लेता तो ये कभी नहीं लाता, ठीक है? अब ये लो। अरे समीर, कब है? अभी आया भाई। अच्छा। कुछ दिनों के बाद सलीम पूरी तरह बदल गया। समीर नाम का लड़का जब भी घर पे आता था, सलीम उससे छुप छुप के कुछ बातें करता था। समीर की वजह से सलीम पूरी तरह बदल जा रहा था। सलीम से पूछने से कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि कुछ पूछो तो बताता ही नहीं। तो मैंने ठीक किया कि समीर से ही सब पूछ लूंगी। एक बात पूछूं? क्या? वही बात जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझसे क्यों छुपा रहे हो तुम? मैंने क्या किया है? मुझे तुम कुछ बताते क्यों नहीं? मुझे सलीम की चिंता हो रही है। बताओ, एक अभागिन को दुख देना ठीक है क्या? मैं क्या करूं? मुझसे छुपा क्यों रहे हो तुम? प्लीज बोलो। इस शहर के एक मुसलमान लड़की पर उसका दिल आ गया है, पर उसका मामा इससे खुश नहीं है। उसका नाम है मुमताज, पर वो लड़की सलीम को इनकार कर रही है। और हाँ, ये जो मैंने तुमको बोला, इस बारे में सलीम को मत बताना। एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। घर द्वार, नाते, रिश्तेदार, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने, आज वही अपने शरीर के भूख को शांत करने के लिए मुझे धोखा दे रहा है। पतझड़ में जो पत्ते शाख से चूर होकर अलग हो जाते हैं, वो हवा के झोंके के भरोसे रहते हैं, पर जिंदगी चाहे कितने भी इम्तिहान ले ले मुझसे, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अरे बाप, या अल्लाह, अरे ये क्या कर रही हो? सुशीला, अरे छोड़ो मुझे। अरे अरे ये क्या कर रही है तुम? अरे अरे बताओ तो सही, मैंने किया क्या? सुशीला, ये क्या कर रही हो तुम? गलती क्या है मेरी? मुसलमान औरत चाहिए? हाँ, तुझे मुसलमान औरत चाहिए? बाजारू औरत चाहिए? रुक, मैं दिलाती हूँ तुझे बाजारू औरत। कमीना कहीं का बेईमान, धोखेबाज, बर्बाद कर दी तूने। अरे मेरी गलती तो बताओ। कमीना, बाजारू औरत चाहिए? मुझे छोड़ के जाएगा बेईमान? ये ले और ले, जा जाके मर कहीं पे। अरे रमसादा कहीं का, भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बहुत भरोसा किया था मैंने तुझ पर। ये ले, तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई मैं, तूने ये नाम दिया? जा मर, मत दिखा मुझे अपनी सूरत। तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे तुझसे ले।
वो मुसलमान औरत चाहिए। सलीम के प्रति अचानक जो मेरे मन में गुस्सा उमड़ा था वो गहरे प्यार में बदल गया। सलीम ही मेरी जीवन का पहला प्यार है और सच्चे प्रेमी कुछ पाने को नहीं बल्कि सब कुछ लुटा देने को बेकरार रहते हैं। अब सलीम की खुशी को ही मैंने जिंदगी का मकसद बना लिया। कहाँ जा रही हो? उसके घर। तुमको बोलने का यही नतीजा है? मैं कुछ नहीं करूंगी, तुमको और सलीम दोनों को इससे दूर रखूंगी। तो फिर क्यों? क्यों बताऊं? पहले बताओ मुझे। मैं बताऊंगी, वहां ले चलोगे मुझे? अच्छा चलेंगे, चलो। मुमताज जल्दी जल्दी काम कर लेना, धूप में जलेगी तो रंग काला हो जाएगा तेरा। मुमताज। अरे समीर, सुशीला तुमसे मिलने आई है। आइए, आपसे बात करने आई हूँ, बैठिए। समीर ने मुझे सब कुछ बताया। आप तो मुझे पढ़ी लिखी दिख रही हो, फिर इतनी दूर से एक आवारा के पीछे पीछे आ गई। इतनी सी भी समझ नहीं है आप में, हाँ? जो जी में है कह लो तुम, आज तो सुनने ही आई हूँ मैं। एक बात कहना चाहती हूँ, सुन लो। एक खास वजह से मिलने आई हूँ। मेरी बात सुनोगी तुम एक दोस्त की तरह? कॉफी लेंगे ना? अभी रहने दो। ठीक है चलिए। ए मुमताज, क्या बोलो? थोड़ा जल्दी आना। भरोसा रखना मामू। मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई और भी सलीम से प्यार कर सकता है। तुमसे मिलके पता चला कि कोई और भी है। आपको पता है वो किस तरह का इंसान है? वो तो मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए जान भी दे सकता है। जानती हूँ, पर प्रेम नहीं। लगता है तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। कब से जानती हो उसे? जब से मैं बड़ी हुई। वो पहला आदमी है जिसने मेरे शरीर को छुआ। मेरे लिए उस पल को भूलना बहुत मुश्किल है। यदि तुम मन ही मन उसको इतना पसंद करती हो तो उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करती? वो भूलने वाली इच्छा नहीं है, जीवन भर वो हृदय में रहने वाला जख्म है। तुम्हारे जैसी मैं इतनी महान नहीं हूं। हम जिसको पसंद करते हैं उसको सुख और खुशी देने के लिए महानता की जरूरत नहीं है। सुशीला, मैं तुम्हारे जैसे उसके साथ नहीं रह सकती। सलीम एक औरत को जब पसंद करता है तो इसका मतलब वो जरूर खूबसूरत होगी, या वो उसके लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार होगी, जो कि देखने के बाद ही पता चलेगा। सलीम की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपना सुख खुशी और मान मर्यादा की परवाह किए बिना मन में जो व्यक्ति है
उसको खुश रखने की आपकी इच्छा को देख के इतना तो कह ही सकती हूँ कि आपके प्रेम के आगे मेरा प्रेम देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। पर इस दौर में कहीं अगर आप हार गई तो अकेली रह जाओगी, फिर इस भरी दुनिया में आपको सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। कहिए, सह पाएंगी? हाँ, सह लूंगी। जब सलीम का मन मेरा है तो और कितने उसके दिल में बसते, इससे मुझे क्या, जब उसकी सांसें और धड़कनें मेरी हैं। उससे बात करके मुझे पता चल गया कि उसे कोई एतराज नहीं है, सलीम मेरे साथ है। सलीम ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी खुशियाँ दी, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती उसके लिए? काश मैं दुनिया भर की खुशियाँ उसे दे पाती। कोशिश तो कर ही सकती हूँ। ये अचानक कहाँ जा रही हो? तुम जहाँ जाना चाहते हो वहीं। कौन बोला? तुमको कैसे पता चला? इतनी भोली भी नहीं कि तुम्हारा मन ना पढ़ सकूं। तुमने नहीं बताया तो इससे क्या बुरा? तो ये कि तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे क्या चाहिए बिना पूछे लाती हो? जो चाहिए मेरे सामने रखती हो? कितना कुछ किया तुमने मेरे लिए, आखिर ये कैसे करती हो? प्रेम में बड़ी शक्ति है। प्रेम निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए जीना सिखाता है। आओ। इसकी कीमत 50,000 है, इसे रख लीजिए, और भी दूंगी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसकी क्या लगती हो तुम? ये जरूरी नहीं कि मैं इनकी क्या लगती हूँ। प्रेम, प्रेम ही काफी है। यदि दिल में प्रेम हो तो त्याग आ ही जाता है। मैं उनके लिए, वे मेरे लिए, जो चाहे समझ सकते हैं। ए मुमताज, मैं बाहर जाके आता हूँ। सलीम आया है। बंदर के हाथ में मोतियों की माला। तेरे की, इससे जरा होशियार रहना। मुझको तूने छूना, हाँ तुम छू लो ना, खोलूं मैं तूने पहचाना। सवाल है जवाब नहीं, यहाँ हूँ मैं पर सुख और कहीं। चाहते हो मुझे ये मैंने सुना, कहो ये बात झूठी या सही। हाँ तुम बिन अधूरी कहानी मेरी, मेरे दिल में और कोई।
साथ चलूं तो मैं चलूं, होठों पे हंसी यूं ही खिले, जरा देखो आंखों में मेरे लिखा है क्या तेरे लिए, देखो मुझको मैं हूँ फूल की तरह, ना तुम भूलो मुझे भूल की तरह। हाँ मैं थी मैं हूँ और रहूंगी सदा, हर जन्म पे तुम्हारी रे। क्या मैं वो हूँ ना कह दो ना, मुझको तूने चुना, हाँ तुम छू लो ना भूलूं मैं तूने पहचाना। चले हम किधर? जहां हर रोज जाते हो। इतने दिनों से ये सब चल रहा है, अब तो मुझे शर्म आती है अपने आप पे। शिकायत कर रहे हो? ये आज नहीं तो कल होना ही था। तुमको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा क्यों करूं जब तुम्हें खुशी मिल रही है? दिल से प्रेम करने वाले लोग समाज में बहुत कम ही मिलते हैं, एक बार सोच के तो देखो। नहीं जाना, कभी नहीं जाना। सलीम ने मुझे इतना प्यार क्यों किया? जो प्यार करते हैं वही तो कष्ट देते हैं। मर्द चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, प्यार के मामले में बच्चों जैसा ही व्यवहार करते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता है, हमेशा दूसरे के खिलौने को पाने के लिए ही रोते हैं, और जब मिल जाए तो उब जाते हैं। सलीम इतने दिन क्यों नहीं आए? हाँ, मन नहीं किया इसलिए नहीं आया। क्यों, मुझसे मन भर गया? कहा ना, मन नहीं किया इसलिए नहीं आया। कहीं मुझे भूलने की तो नहीं सोच रहे? हाँ ठीक समझी तुम, मैं तुमको भूलना चाहता हूँ, और ये भी सुन लो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, समझ गई?
क्यों आ गई तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़ के? उस पर इतना गुस्सा दिखा के तुमने ठीक नहीं किया। बोलो क्या ठीक है ये? इतनी रात गए वो तुमसे मिलने के लिए आ गई। मुझे उसकी परवाह नहीं। उसको मिलने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने? हाँ तो अब उसको बुरा नहीं लगेगा? बोलो, मुंह मोड़ कर इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते उसको। बेचारी को इतना मत सताओ कि दिल ही टूट जाए। देखो तुम गुस्सा मत करना, मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि मेरा मन हमेशा किसी एक पे नहीं टिकता। दिल में छुपा प्यार हो या आंखों का काजल, जब तक काजल हो आंख देखने में सुंदर लगती है, आंसू से काजल धुल जाए तो आंख देखने लायक नहीं रहती। फिर ये सब क्यों? नहीं रहना मुझे उसके साथ। फिर यहां आई तो धक्के मार कर निकाल दूंगा, और ऐसा करने में मुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं आएगी। साला जीना हराम करके रखा है मेरा। जिसके मन में औरत के लिए प्रेम नहीं, जो सिर्फ औरत के शरीर से प्रेम करता है, तुम उसके भरोसे इतनी दूर आ गई? ये तुम्हारे साथ आखिर तक रहेगा? सोच लो। ये रहे आपके कंगन, नहीं चाहिए मुझे। मैं इनके लिए उसके साथ नहीं गई। आपके मन को समझ लिया मैंने। मेरे प्रेम से बढ़कर आप दोनों का प्रेम है। ये बात उसको कब समझ में आएगी? ये कब सुधरेगा ये बात तो अल्लाह ही जाने। मर्द लोग कितने कठोर हो सकते हैं। सलीम को प्रेम करने के बाद ये पता चला, जब मुझसे उसका जी भर जाएगा तो जैसा आज मुमताज के साथ कर रहा है, कल मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेगा। सोचकर भी डर लग रहा है। जैसा कि मुमताज ने बोला, प्रेम जाने के बाद दया भी नहीं दिखाएगा। और फिर एक दिन मुझे कमजोर और उल्टी करता हुआ देख सलीम डॉक्टर को ले आया। रोको सलीम, सलीम वो गर्भवती है। सुशीला, तुम्हारा ये पेट से होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जितनी जल्दी हो सके गिरा दो इसे। ये क्या कह रहे हो? गिरा दो और क्या? बच्चा तुम्हारा है सलीम। मुझे कोई बच्चा बच्चा नहीं चाहिए, सुना तुमने? सलीम ऐसा तुम कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं ही ये बात कर रहा हूँ, ठीक है? सलीम तुम बाप बनने वाले हो। मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र डाला है क्या कि मैं बाप बनूं? ताली का भी एक हाथ से नहीं बचती, उसके लिए दोनों हाथ चाहिए। इतना तो ख्याल करो कि वो तुम्हारा भी है, हमारा बच्चा है, मेरे पेट में तुम्हारा अंश है। छोड़ो ये सब बातें, मुझे चाहिए तुम्हारा शरीर, तुम्हारी खूबसूरती, बच्चा नहीं, समझी? वो इतने दिन मेरे शरीर और मेरी खूबसूरती के लिए मेरे पास था। गुस्सा आया, खरी खोटी सुनाने का मन किया, पर उसके प्रति मेरे प्रेम ने मुझे रोक लिया, क्योंकि प्रेम पाने के लिए ही तो आई थी मैं सलीम के पास। उस दिन के बाद मैं सलीम से डरने लगी। ये साड़ी तेरे लिए लाया हूँ, जब पहन गया। सलीम, मैंने तुम्हारी अम्मी की साड़ी पहनी हुई है। बोला नई साड़ी पहन गया, जा तेरी की, जा। जल्दी ला।
मैंने बोला बच्चा गिराना पड़ेगा तो गिराना पड़ेगा। ये तुम इतने कठोर कैसे बन गए? ये जो कुछ कर रहे हो क्या वो सही है? अपने ही बच्चे को मारोगे? मैं माँ बनना चाहती हूँ सलीम, मेरी शिक्षा को खत्म मत करो। क्या कभी बाप नहीं बनना चाहते तुम? तू वही करेगी जैसा मैं चाहता हूँ, समझी? गर्भपात करवाना एक गुनाह है सलीम, जब तुम जीवन दे नहीं सकते तो उसे लेना क्यों चाहते हो? किस लिए? सलीम, हमने शादी नहीं की, क्या इसी कारण ये? बोला ना मैंने, मुझे मंजूर नहीं है। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये ले। और ले। नहीं गिराएगी। मेरे ऊपर बात करती है। मैं पेट से हूँ सलीम। जान लगूंगा तेरी। बोल गिराएगी कि नहीं? बोल। रहम करो सलीम। इसे तो मैं पेट में ही मार दूंगा। तुम्हारे खुदा का वास्ता सलीम। इतने जालिम ना बनो। मेरा बात नहीं मानती। मुझे छोड़ दो। जान से मार दूंगा। चल चल निकल यहाँ से। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ सलीम। रहम करो मुझ पर। छोड़ दो मुझे। और तो जान से मार ही डालूंगा तुझे। नहीं गिराएगी, नहीं गिराएगी ये बच्चा, नहीं गिराएगी। नहीं, नहीं, बता, नहीं, बता, बच्चा मैं माँ बनना चाहती हूँ। मेरा बात नहीं सुनेगी? जान से मार दूंगा। क्यों जा रहे हो भैया? मालूम नहीं समीर, पर मैंने जाने का इरादा कर लिया है। उसको अकेले छोड़ के मत जाओ। सलीम भैया मेरा बात सुनो। नहीं रे समीर, मुझे यहाँ पे रहने का मन नहीं है। हिंदू लड़की है ना, सोचा था कि मुझे समझ लेगी वो। शादी वादी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना मुझे। सलीम भाई, औरतों को समझना इतना आसान नहीं है, चाहे वो किसी भी जात की क्यों ना हो, उनकी सोच एक जैसी ही रहती है। देख समीर, ये सब तू मुझे मत समझा, ठीक है? मुझसे बात नहीं करोगी? तुम्हारे मन में इतनी जिद कैसे भर गई? बोलो मुझे। ये जिद नहीं, काश मैं तुम्हें बता पाती। हाँ, तुम्हारा मेरे ऊपर प्यार एक झूठ था, फरेब था। मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो तुम इतनी कठोर बन गई, इतनी नफरत करने लगी मुझसे? क्या करूं मैं तुम्हें बताओ, क्या करूं मैं? जान दे दूं अपनी? तुम जान क्यों दोगे? तुम तो जान लेना चाहते हो। मैं चाहता हूं। चाहे जो भी हो जाए सलीम, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। अगर आज तुम मुझे छोड़ गए तो किसके सहारे जीऊंगी? यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हर मुसीबत को झेलेंगे। यूं मुमताज को अकेला छोड़ना क्या हमारे प्यार को और पुख्ता नहीं करता? ये जो संतान आएगी ये हमारे परिवार को पूरा करेगी, यही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हर औरत चाहती है कि वो माँ बने, लेकिन लगता है किस्मत ही खराब है। वरना उस दिन जिस तरीके से तुमने मारा मुझे, यही प्यार है तुम्हारा, इसीलिए सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे आ गई। सलीम रुक जाओ।
तुम चले गए तो किसके सहारे जूंगी मैं? इस भरी दुनिया में तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? इस तरह बेसहारा छोड़कर मत जाओ मुझे। जहां जाना चाहते हो मुझे भी साथ ले चलो। सलीम मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ ले चलो। अभी हटो, जाने दो। अगर तुम ही यहाँ नहीं तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तुम्हारी जो भी जरूरतें हैं वो समीर से कहना। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। इस तरह अकेली छोड़कर मत जाओ। क्या यही दिन दिखाने लाए थे? इससे अच्छा तो ये कि जान से मार दो मुझे। मर गई तो सारा झमेला ही खत्म। फिर किसी और से प्रेम करना, किसी और को फंसाना, यही करना चाहते हो ना? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, तुम ही मुझे छोड़ के जा रहे हो सलीम। समझी थी मेरे दुख के दिन पूरे हुए, मगर हुआ उल्टा। जब तुम सहारा नहीं दे सकते थे। वो आधी रात को मुझे समीर के भरोसे छोड़कर चला गया। ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, जबकि मैं समीर को ठीक से पहचानती भी नहीं थी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएंगी? क्या? कैसे उपन्यास की आइडिया आती है आपके दिमाग में? उसके पहले मुझे एक बात बताओ। क्या? कल तुम लोग प्यार कर रहे थे? कल मैं इसी टाइम पर आऊंगा, और मुझे तुम चाहिए, और तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा।